नगर परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मेला ग्राउंड पर दशहरा पर्व पर रावण दहन किया गया। आचार संहिता लगने के कारण किसी भी जनप्रतिनिधि को वहां पर नहीं आमंत्रित किया गया। सैकड़ों ग्रामीण और नागरिकगण रावण दहन देखने के लिए गए, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। नगर परिषद के द्वारा बाहर के व्यक्तियों के द्वारा रावण का निर्माण करवाया गया था। उनके द्वारा रावण को मात्र पुतले के रूप में खड़ा कर दिया, जिसमें ना तो किसी प्रकार का कोई पटाखे ज़्यादा भरे गए। मात्र 10 सेकंड में ही रावण पूरी तरह जल गया। प्रशासन ने रावण दहन समय के पूर्व ही कर दिया, जिससे आमजन नगर परिषद की बुराई कर रहे थे कि कमीशन के चक्कर में परिषद के द्वारा घटिया रावण का निर्माण किया गया। रावण जलने के बाद ही आतिशबाजी की गई, पटाखों का बिल पास के लिए नगर परिषद के द्वारा आतिशबाजी की गई। वहीं दूसरी ओर वार्ड क्रमांक 9 में बच्चों के द्वारा 12 फीट का रावण बनाया गया, तो नगर परिषद के रावण से अच्छा तो यह रावण जलता हुआ दिखाई दे रहा था। रावण का दहन वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद अनुपम भंडारी के द्वारा किया गया। रावण दहन के अवसर पर पुराना नाका के सदस्य पूर्व पार्षद लाला चौधरी, उत्तम राठौर, कपिल चौधरी, सेम्पी चौहान, बबलू राठौर, मयंक राठौर सहित पुराना नाका मित्र मंडल के सदस्य उपस्थित थे। पेटलावत से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। Yeah!